मुंबई में गणपति उत्सव जारी है। कई सितारे अपने घर पर भी गणेश मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से विसर्जन भी करते हैं। इस खास मौके पर बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय और लाडली आराध्या बच्चन भी मुंबई के GSB गणपति पंडाल में पहुंचे। इस दौरान दोनों के साथ ऐश्वर्या राय की मां और आराध्या की नानी वृंदा राय भी नजर आई। मां बेटी दोनों मिलकर वृंदा राय को संभालती दिखी। इस खास मौके का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आराध्या बच्चन की समझदारी देखने को मिल रही है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोग आराध्या की तारीफ करने लगे हैं। सामने आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आराध्या बच्चन GSB गणपति पंडाल से मां ऐश्वर्या और नानी के साथ बाहर आती हैं। इस दौरान वो अपनी नानी का हाथ थामे भीड़ में आगे बढ़ती है। इस दौरान काफी भीड़ बढ़ जाती है और ऐश्वर्या आराध्या और वृंदा राय का वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये देख ऐश्वर्या थोड़ी परेशान हो जाती है। ऐसे में ऐश्वर्या राय आराध्या को इशारा करते हुए कान में कुछ कहती हैं, जिसके ठीक बाद आराध्या दौड़कर आगे जाती हैं। और इस बीच ऐश्वर्या अपनी मां को संभालती हैं। आराध्या झट से आगे जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलती हैं और नानी को सहारा देने के लिए अंदर जाती हैं। पीछे से ऐश्वर्या राय अपनी माँ को लिए आगे आती है और फिर गाड़ी में बैठकर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो बस 13 साल की है और छोटी सी उम्र में ही वो काफी समझदार हो गई है। आराध्या की नानी से बॉन्ड पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।